हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं। दाल मखनी एकदम पंजाबी स्टाइल में, बिना क्रीम को यूज़ किए हम दाल मखनी कैसे बनाएंगे, इसका तड़का, इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, इस रेसिपी में आपको मैं बताने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और एक सीक्रेट तरीके से कि इस दाल को हम कैसे क्रीमी कर सकते हैं और कैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। तो एक सिंपल से तरीके से इसको दाल को हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी रेसिपी लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए, दाल मखनी। तो हम दाल मखनी जो बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे 200 से 250 ग्राम जो है वो ब्लैक वाली जो दाल होती है, काले माँ जिसे कहते हैं, उसे हम ले लेंगे और उसे ओवरनाइट सोक कर लेंगे और उसे बहुत अच्छे से हाथों से मसल कर वॉश करें ताकि वो इस तरह के ग्रीन कलर में आ जाए, उसका ब्लैक कलर निकल जाए। तो ये मैंने ओवरनाइट सोक किया था, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और यहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी इसमें भर लिया है, कुकर में डाल दी है दाल। और इसमें मैंने तेज़पत्ता और ये बड़ी एक इलायची ये डाल दी है, और ये यहाँ पर साथ ही में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, जितना आपको चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं दाल के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है, आधा चमचा मतलब छोटा एक चमचा हल्दी मैंने डाल दी है, और एक छोटा चम्मच जो है वो लाल मिर्च का डाल दिया है। लाल मिर्च आप देगी मिर्च ले सकते हैं, कलर वाली जो आती है वो, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत ही डाल दी हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डालकर मैंने कुकर बंद कर लिया है और दाल को मैंने अच्छे से बॉयल कर दिया है, इसको कम से कम आधा घंटा लगा। और दाल जो है ये देखिए पक गई है। तो अब हम दूसरी तरफ इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ढेर सारे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इकट्ठी ले ली है और इकट्ठा ही इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना दिया है। तो हरी मिर्चें ज़्यादा ले लें, लहसुन अदरक प्याज जो भी है वो ज़्यादा लें और इसका पेस्ट बना लें। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम किया और यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाला है जीरा, और जीरे के साथ मैंने हींग डाल दी है थोड़ी सी, और हींग के बाद यहाँ पर मैं कुछ, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने लौंग के कुछ दाने डाल दिए हैं, और ये गरम होते ही गरम तेल में इसे डालें एकदम से, और गरम तेल में ही जो हमारा पेस्ट रेडी हुआ था सारा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने तड़के में जो अपना लहसुन अदरक प्याज और हरी मिर्च का जो मिक्सचर है, पेस्ट है, वो इसमें भुनने के लिए छोड़ दिया है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा तड़का जो है वो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो हमारे में तो वैसे भी ये लहसुन प्याज अदरक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमारे पंजाबियों में जो भी रेसिपी होती है उसमें ये ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो ये मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि तड़के की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें भी अलग से नमक डलेगा और बाद में दाल की क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। तो यहाँ पर नमक डालकर मैं इसको तड़के को जो है भूनूँगी अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, हमारे लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर एक मेरे पास 4 से 5 टमाटर ले लेंगे, बड़े बड़े साइज़ के और मीडियम साइज़ के, और उसकी हम पेस्ट में यहाँ पर देखिए मैंने दाल को हल्की आँच पर ऐसे बॉयल होने के लिए रखा हुआ है ताकि वो और अच्छी उसका जो है वो फ्लेवर बन जाए। और यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ उसी तड़के में, टमाटो की प्यूरी बना ली है मैंने यहाँ पे, कुछ भी ऐसी कोई फालतू चीज़ नहीं ऐड की है, बट इसका टेस्ट आप कहेंगे तो वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आने वाला है, क्योंकि आप आगे देखें मैं इसमें और क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर टमाटो को भी डालकर हम इसको भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे दाल देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो रही है और भी ज़्यादा इसकी जो
क्रीमीनेस है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी हमें इसको और बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैं सीक्रेट आपके साथ यूज़ करना जा रही हूँ, यहाँ पर मैं दूध ऐड करूँगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर दूध ऐड करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे क्रीम का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब आप यहाँ पर दूध ऐड करेंगे तो साथ साथ इसको हिलाते जाएं ताकि दूध इसमें फटे ना और गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ रखें। तो इसे जल्दी जल्दी हिलाते जाएं ताकि दूध इसमें फटे ना। और इस तरह से ये देखिए मैं दूध ऐड करती जाऊंगी और इसको और भी ज़्यादा बॉयल करेंगे इस दाल को। इसी से क्या होगा कि इसकी जो क्रीमीनेस है वो और भी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ दूसरी तरफ तड़का देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका भुनने के बाद, ऑयल अलग हो गया है। अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, हल्दी, नमक, मिर्च, नमक मैंने यूज़ कर लिया, हल्दी और मिर्च नहीं डाली है, वो भी मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं देखिए हल्दी ऐड कर रही हूँ, देगी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो है एक चम्मच के करीब गरम मसाला। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक धनिया पाउडर और एक गरम मसाला जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, और यहाँ पे कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल कर हम इसमें ऐड कर देंगे तड़के में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस तड़के के अंदर जो हमारी बॉयल हो रही है दाल उसको हम ऐड करेंगे इसी तड़के की कढ़ाई में। ये देखिए कितनी अच्छी जो है कलर और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर मैं अब दाल जो हमारी पक चुकी है उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे और शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो थोड़ी सी दाल जो है वो आप मिक्सी में पीस लें, मतलब एक कटोरी के करीब दाल जो है वो मिक्सी में पीस लें और उसको पीस कर उसका पेस्ट इसमें ऐड कर दें। उससे क्या होगा कि ये दाल और भी गाढ़ी अच्छी क्रीमी बन जाएगी। तो अभी ये देखिए मैंने इसमें उस तरह से दाल जो है वो ऐड की है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद देखते हैं दाल कैसी बनती है। तो यहाँ पर दाल देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका देखिए कलर, टेक्सचर, हर एक चीज़ जो है बिल्कुल वैसी ही आने लगी है जैसे कि रेस्टोरेंट में, और जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल हमारे पंजाबियों में जो दाल मखनी होती है ना, जो उस तरह का जो टेस्ट इसका आने वाला। मैंने इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा मसाला कोई बाहर का ख़रीद कर नहीं डाला है, आप इसी तरह से बनाइए दाल को, डेफिनेटली आपको ये दाल बहुत अच्छी लगने वाली है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और जो जो चीज़ें मैंने जितनी बताई हैं उसी हिसाब से ये सब डालें। और इसकी जो मैं फुल रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूंगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये देखिए दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। दाल के अंदर अभी मैंने बटर नहीं ऐड की है, अभी मैंने कोई इसमें क्रीम ऐड नहीं की है और ये वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है। कुछ लोग इसमें राजमा भी ऐड करते हैं, मैंने ऐड नहीं की है, वैसे मैं ऐड करती हूँ इसमें राजमा, आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, तो उससे भी ये ऐसे ही बनेगी, अच्छी बनेगी। वो ऑप्शनल है कि आप राजमा इसमें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं, तो 100 ग्राम के करीब बीच में राजमा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी दाल जो है एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, दाल बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसकी गार्निशिंग करते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं। जैसे कि शादियों में या ढाबे पे या फिर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे दाल मखनी जिस तरह से मिलती है, यहाँ पे ये देखिए अब मैंने यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया है और ये अब मैंने फिनिशिंग के लिए जो है क्रीम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे फिनिशिंग है, सिर्फ मैंने फिनिशिंग के लिए यहाँ पे क्रीम यूज़ की है और बटर डाला है
और यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया जो चॉप किया हुआ वो मैं ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ी सी मिंट लीव्स, और ये दाल जो है बहुत अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसको तंदूरी रोटी और प्याज का जो सलाद होता है सैलड, उसके साथ सर्व करेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए दाल बनकर तैयार है, और यहाँ पर ये गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और उसके साथ ये हमारी दाल सलाद, ये सब कुछ आ गया है। तो आप भी इंजॉय करें, इसको घर पर बनाएं, बहुत सिंपल इजी तरीका है। इसमें हम क्रीम नहीं ऐड कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, मैंने क्रीम की जगह यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया। आप भी इस तरह से बनाएं दाल को और देखें ये नया तरीका आपको कैसा लगता है। ये बहुत अच्छा है, इस तरह से बनाएं दाल, बहुत टेस्टी बनती है। तो इंजॉय करें इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करें, मेरी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी इस तरह की नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।